मेरे पिया घर आए, ओ राम जी मेरे पिया घर आए। अरे मम्मी यहाँ के गाना गुनगुनाए जा रही हो, चलो ना वहाँ पे लोग गीते गा रहे हैं, आपके लिए डांस कर रहे हैं और यहाँ पे पता नहीं कौन सा मुजरा कर रही हो। सुनो ना, कल के बाद तो वैसे भी शादी के बाद आपकी लाइफ झंडी होने वाली है, आज तो खुशी मना लो। सही कह रही है तू, कल के बाद तो तुम दो बेवकूफ बच्चे, ऊपर से तुम्हारा बाप और वो मेरी खड़ूस सास मेरा जीना हराम कर दोगे, इसलिए आज ही खुल के नाचूंगी। चल चल चल, खुल के नाचूंगी आज तो। चलो मम्मी, मम्मी हाथ धो, मैं छोटे से। अले यार पापा, यहाँ कड़े कड़े अपने नाड़ा क्या ठीक कर लियो, वहाँ तो ढोल और तराशे बज रहे हैं, चलो हम दोनों वहाँ चलते हैं। और वहाँ तो दारू की पेटियाँ खुल रही हैं, पेटियाँ। मैं क्या सोच रहा हूँ, आज मैं और मेरे पापा मिलके खूब सारी दारू पियेंगे और कल तो आपकी शादी है, उसके बाद से आपकी बर्बादी शुरू हो जाएगी, तो चलो चलते हैं। बेटा तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, चल आ जा। अबे तकले, तू इतना खुश है, कल तेरा शादी है। जब तेरा शादी हो जाएगा ना, 10-12 बच्चे हो जाएगा, तब तुमको समझ आएगा जो बच्चों का तत्ती सोओगे रोज। अबे तू कौन है मुझे फ्री में एडवाइस देने वाला? अरे मैं तेरा काल, मैं तो यहाँ आया हूँ फ्री खाना खाने और फ्री के एडवाइस देना तुमको। तो जान ले, तो बताऊंगा भी। ए, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। कैसे टपक टपक के नाच रही है? जब कल तेरे शादी हो जाएगा और तेरे साथ तुमसे टमक टमक के काम कराएगा तब मजा आएगा। और जिस तकले से तुम शादी कर रहे हो, वो तुम कल को इतना रुलाएगा कि क्या बताऊं। अरे ओए, कौन है तू और ये क्या बकवास कर रही है? अरे मैं तो यहाँ फ्री का खाना खाने आई थी और थोड़ा सा फ्री ज्ञान तुमको देने आई थी, अब मैं चलने आएगी। जा रही नहीं जा रही यहाँ से, कि चप्पल मार मार के लाल कर दूँ तुझे, जा यहाँ से। जा रही है। देखो मम्मी पापा की डीजे पार्टी में क्या पहन कर आया खतरा। अबे वो मोटे, मम्मी पापा की कल शादी है, तू बता क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है उन लोगों के लिए? तो उन्होंने तो हमें अपनी पहली शादी में बुलाया था और दूसरी शादी में बुला रहे, तो इतना साला ताम करवा रहे हैं। मैं तो चलूंगा, मैं तो नहीं, तुम ताम करने वाला? अरे कितना ड्रामेबाज है। खैर हम तो बहुत ही बढ़िया डांस करने वाले हैं, सब देख के हैरान ही हो जाएंगे। हाँ, और मैंने तो प्रॉपर शकीरा वाला डांस प्रिपेयर किया है, और मैं करूंगा गंगम स्टाइल। हाँ ठीक है, फिर तड़के दिखाओ अपना डांस। अब देखिए तो हमारा डांस। देखा हमारा डांस? इससे बलिया तो मेरी गली था, तुता नाचता है तुता। अरे इससे अच्छा तो भाई स्कूल में डांस करता था। तू मुझे तुत्ते से दम बेर कर रहा है। अरे नहीं कह रहे भाई, तुझे कुछ नहीं बोला मैंने। हाँ इससे बढ़िया तो मैं अपनी सोलो परफॉर्मेंस में आग लगा दूंगा। ये क्या शकीरा बगीरा कर रही है? अच्छा दारा नाच के दिखा, यू हाथी तुझे भी नाचना आता है? हाँ लूट लूट, ओए हवा अंदर चल चल। ओम सी माम सी माम बिंग बिंग बो, तक तक सस्ते न से तार चिपक गई छाती से। ओम सी माम सी माम बिंग बिंग बो, तक तक सस्ते न से तक तक तार है ढीली। कौन कसे 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 कौन कसे। देता मिला डांस। डांस कहते हैं
अबे ओ मोटे, गलती से भी ना प्लीज शादी में मत नाच लियो, नहीं तो मेहमान आने की जगह ना उल्टे पैर भाग जाएंगे, अब वो भी जूते मार मार के। छोटी तू जल्दी है मेरे खूबसूरत टैलेंट से, वैसे तो मेरा डैमो था, असली डांस तो मेरा तल, देखियो तल। क्यों दोस्तों? हाँ चल चल कल मिलते, चलो दोस्तों। डालिया तो मम्मी को बोल दियो कि कल ना दहेज में कूलर ले आएंगी, वो भी मेरे पर्सनल वाले रूम के लिए, वरना बलात वापसी ले जाएंगे। अच्छा पर्सनल कूलर चाहिए मम्मी? नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, तुम लोग जाओ हम भी डाले, बाय, शादी में मिलते हैं। मम्मी क्यों रो रही हो, क्यों अपने आंसू बहा रही हो? सारा मेकअप धुल जाएगा, फिर पापा डर जाएंगे आपसे। अरे हाँ हाँ मैं भी भूल गई थी कि उस पार्लर वाले ने पूरे 250 रुपए लिए मुझसे, वो भी बर्बाद हो जाएंगे। ठीक कह रही, ठीक कह रही है। चलो चलो मम्मी। अरे यार पापा आप कैसे टकले से बन के आए हुए हो, आपके सारे बाल थड़े हो रखे हैं। अब एक काम करो, इसको शांति से थूक लगा के बैठा लो। बेटा अब बता जरा, अब लग लियो ना पूरे चिकने चुपने लिपस्टिक लोशन, चलो चले साले आओ। जब मैं जवान थी तब तो आपने टेंट में शादी करा दी, वो भी इतनी गर्मी में, और अब जब मैं बुढ़िया हो रही हूँ तब आप इतने अच्छे एरोप्लेन में शादी करा रहे हो। अरे भगवान। ऐ मम्मी तुम भी ना पूरी फिल्म हो। देखो भाई जब पापा की आपके साथ पहली बार शादी हुई थी तब पापा पहले कहाँ कमाते थे, पापा की सैलरी तो 500 रुपए होती थी, मुश्किल से तो हमारा भी पेट नहीं भर पाते थे। पापा के पास 500 करोड़ रुपए, तो आपकी जी खोल के शादी करवा रहे, इतना मिल रहा है जब मिल रहा है खुश रहो ना। देख ला तुमसे ज्यादा समझदार तो हमारे बच्चे हैं। थैंक यू पापा, थैंक यू पापा, मैं भी समझदार हूँ ना। बेटा तू भी समझदार है, लेकिन ध्यान रखना जहाँ प्लेटों का हिसाब है थोड़ा कम खाना। क्या यार पापा पल पल भूखा मार देते हो। यार हम इन बूढ़ों की शादी में क्या ही करेंगे, एक काम करते हैं हम ना सेल्फी लेते हैं, वैसे भी आज हम दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं। यार मैं तो वैसे भी यहाँ पे खाना खाना आई हूँ, चाहे में से मेरे मौसा जी की शादी है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो, पंडित जी आपका वेट कर रहा है। अरे पायलट वाले भैया ये बताओ पंडित जी कहाँ है। अरे पंडित जी वहाँ पे है आपके इंतजार में। अच्छा अच्छा चलो चलो चलो। अरे पंडित जी आप, अगर आप पंडित हो तो पायलट कौन है? वो क्या है मैडम जी कि मैं पंडित भी और पायलट भी,
वो इसलिए कि आजकल हमारे प्लेन की काम अच्छे नहीं चल रहा है, इसलिए साइड बाय साइड हम पंडित भी काम कर लेते हैं, तो इसलिए मैं पंडित भी है। तो फिर भाई प्लेन कौन चला रहा है? अब वो प्लेन में ऑटो पायलट ने लगा है, तो तब तक आप लोग खा लो पी लो मजे करो, तब तक मैं सामग्री लगा देता हूँ। अजी सुनती हूँ, जब तक ये पंडित अपना तामझाम कर रहा है हम अपना फोटो सेशन करा के आए। हाँ भगवान, चल तेरी फोटो खिंचवा के आता हूँ, चलो। बड़ी जूतों पे ध्यान रखियो, नहीं तो अगर ये मेरे हाथ से चले गए तो ना हम बिस्किट खा पाएंगे, ना ही चॉकलेट, ना ही टॉफी। फिर बाद में जब जूते मिल जाएंगे तो पहले जूते देंगे फिर पैसे लेंगे। हाँ छोटी, मेरा पूरा ध्यान ना जूतों पे ही है, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ है। चलो फिर जल्दी से काम करते हैं, जूते ढूंढते हैं। तुम इधर जाओ और मैं उधर जाता हूँ। सुनो लड़के वालों, अगर उनके हाथ में गलती से भी जूते लग गए ना तो हम लोगों की पूरे समाज में बहुत बदनामी होगी, और मैं छुपना नहीं चाहता। तो एक काम करो, तू इधर जा, बाकी बच्चे मेरे पीछे आओ। अरे यार बड़ी, मिला गई? नहीं यार, एक काम करती हूँ, बाहर जाकर ढूंढती हूँ। ठीक है बड़ी, जाओ आप। ठीक है। मिल दिया जूता, मिल दिया, ये ला, मिल दिया जूता। अब पागल है कहीं, मेरा पैर है, मेरा जूता है, मुझे हट। छोटी, मिले जूते? मोटे मिले जूते? हाँ मिलते जूते। एक मिनट, तुझे भी बेटा मिले नहीं था जूते? यहाँ पे मेरे से कन्फर्म बनने आया था कि मुझे मिले या नहीं मिले। देख बच्चू, जूते अगर सबसे पहले मिलेंगे ना तो ये मुझे मिलेंगे, तुझका नहीं। हाँ हाँ, हम लड़के वाले ढूंढ लेंगे जूते, और तुम लड़की वालों के तो बस की नहीं है, तुम ढूंढ भी नहीं पाओगे। तुम लोगों की तो टट्टी है टट्टी। भाई तो कुछ कह रहा था क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यही कह रहा था, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तू छोटी। नहीं नहीं, लग तो अच्छा रहा है, तो कुछ कहना चाह रहा था। अब मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, अब मैं चलता हूँ, बाय। मिले जूते? नहीं यार। अबे यार, तो मेरा मुंह क्यों ताक रहे, जाके ढूंढो। तो अगर आपका फोटो किचक किचक हो गए तो हम दोनों शादी कर ले, मेरा मतलब आपका शादी कर लो। अरे पर ये बच्चे कहाँ रह गए? लो आ गए। देख छोटी, वो रहे जूते। बड़ी मान गई यार, तूने तो कितनी आसानी से जूते ढूंढ लिए। तेरे को पता नहीं है क्या, तेरी बहन की निगाहें चील वाली है, चील वाली। देख मोटे, वो रखे हुए जूते। जिसको ढूंढा गली गली वो यहाँ मिली पड़ी। मुझे दे। क्या कर रहे हो तुम लोग ये? मुझे दे। क्या कर रहे हो ये? मुझे दे। अरे गधे के बच्चों, क्या कर रहे हो ये? अरे मम्मी कुछ नहीं, पापा के जूते चुरा रहे थे। यही तो रस्म होती है शादी में, लड़के के वालों के जूते चुरा उनसे पैसे लो।
तो वही कर रहे थे। अरे गधे के बच्चों, जूते चुराने की रस्म होती है, चप्पल क्यों चुरा रहे हो? और जूते तो यहाँ है। अब चुपचाप से मुझे शादी करने दो, नहीं तो एक एक को घर वापस भिजवा दूंगी। तो हम करते हैं शादी की शुरुआत। स्वाहा। पति किसी लड़की को नहीं देखेगा सिवा अपने साली के। स्वाहा। पत्नी हमेशा अपने पति के साथ रहेगा, चाहे वो मोटा भी हो जाए, कंगला भी हो जाए, गरीब हो जाए, फिर भी आपको उसके साथ रहना है। स्वाहा। तो अगर आप चाहते हो कि ये शादी अच्छे से हो जाए तो मुझे 1 करोड़ की चेक दे दो। आहा। 1 करोड़? बागवान, तेरा सपना था ना एरोप्लेन में शादी करने का, उसके लिए 1 करोड़ तो लगना ही है। स्वाहा। आहा। चलो अब दोनों की दोनों खड़े हो जाओ वरमाला के लिए। आहा। स्वाहा। देख रही हो बड़ी, मम्मी को ऐसे देख के मेरा तो मन ही नहीं कर रहा शादी करने का। हाँ छोटी, सही कह रही है, अब तो मेरा भी मन नहीं है शादी करने का। हाँ, मम्मी ने तो 2 बार शादी कर ली और। लेकिन मैं तो करूंगा ना, वो भी 3-3 बार। ये लो आपके जूते। अरे भगवान, ये ले तुम्हारा 500 करोड़ रुपए का चेक। ऐश कर। छोटी देख, मम्मी हमारी मेहनत के पैसे ले गई सारे। हाँ मोटे, सही कह रहा है, सारी मेहनत हमने करी और मम्मी ले गई जूते के पैसे। तुम लोग क्या मुंह बना रहे हो, और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये पैसे वैसे भी तुम्हारी फीस में जाएंगे। और हाँ, तुम लोगों ने हमारी शादी के लिए डांस प्रिपेयर किया था ना, चलो दिखाओ। पैसे ले गई फिर भी इन्हें डांस देखना है, चलो। जय बजरंग बली।